हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने योजनाबद्ध तरीके से अपने सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। इसकी बड़ी वजह जजपा के दोनों कर्णधारों दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला के बढ़ते कदम हो सकते हैं। दरअसल पानीपत के समालखा में पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर ने संजय छोकर से दो कदम आगे बढ़कर कांग्रेस के एक बड़े दफ्तर का उद्घाटन करवाया। हुड्डा सीनियर इस कार्यक्रम में खाना खाकर बाहर से ही निकल गए और 1.5 घंटे बाद सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आकर रिबन काटा और मौजूद लोगों से राम राम की। बाद में मीडिया से बातचीत में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जजपा और इनेलो को बीजेपी की बी टीम करार दिया और उन पर बीजेपी के मुताबिक चलने का आरोप लगाया। यानी हुड्डा सीनियर जूनियर चौटाला बंधु के मुकाबले दीपेंद्र की चमक को कम नहीं होने देना चाहते। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र को अब प्रमोट करने में लग गए हैं। जो इनके सांसद हैं दुष्यंत, उन्होंने खुद कहा कि अभय चौटाला 5 साल बीजेपी की भाषा बोलते थे और अभय चौटाला कह रहे हैं कि भाई लोकसभा में दुष्यंत बीजेपी की वोट डालते थे। दोनों सही कह रहे हैं। जींद उपचुनाव में दीपेंद्र हुड्डा मुकाबला किस में मान रहे हैं? देखो, नंबर एक पे कांग्रेस पे है और लोक दल और बीजेपी का नंबर दो का मुकाबला है। और अब सबसे खास बात ये कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा इस बार सोनीपत लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। एक सवाल पर उनकी दलील। रोहतक भी और सोनीपत भी दोनों लोकसभा की जो ये सीटें हैं, ये हमारे एक परिवार समान है और जो है इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मेरी जो व्यक्तिगत है, मैं रोहतक के लोगों ने मुझे आशीर्वाद देके सांसद चुना हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि मैं रोहतक के लोगों पार्टी आदेश दे तब सोनीपत नहीं। मैंने कहा दोनों हमारे तो परिवार समान है। यानी 2019 का सियासी संग्राम पूरी तरह गर्मा चुका है। इस बार मुकाबला महाभारत जैसा ही है, क्योंकि इस बार हरियाणा में 4 के बजाय 6 सियासी दल हो गए हैं, पूरा आधा दर्जन। देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।